नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। हम गणित को आसान तथा सरल तरीके से समझ और समझा रहे हैं। हमारा उद्देश्य गणित को आसान और रुचिकर बनाना है। गणित की अवधारणाओं को समझकर उनका व्यावहारिक प्रयोग करना है। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो आपको गणित में बहुत रुचि पैदा होगी। चलिए आज की वीडियो की चर्चा करते हैं। आज हम कक्षा 5वीं गणितीय क्रियाएं यानी कि ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, जिसमें हम जोड़ घटा गुणा भाग ब्रैकेट और काप यानी कि बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो का हमारा उद्देश्य है ऑफ या का तथा ब्रैकेट का ज्ञान करना। भाई ऑफ कहाँ लगता है, फिर ऑफ और गुणा के अंतर को समझना, ऑफ और गुणा में से किसको पहले करना है और क्यों पहले करना है। आइए बच्चों देखते हैं ऑफ का अर्थ। ऑफ यानी का अर्थ है एक दी गई संख्या या टर्म का हिस्सा, जैसे कि 4 का 1/2। 1/2 का मतलब आधा। 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। तो 4 का आधा 2 होता है। यहां पर 4 और आधा 2 अलग अलग संख्याएं दिखाई देती हैं, परंतु ये 2 नहीं है, केवल ये एक ही टर्म है और वो क्या है, 4 का आधा यानी कि केवल 2 है वो। तो यहां पर एक टर्म है, वास्तव में केवल एक टर्म है। इसलिए हम जब गणित के ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले का को हल करते हैं। सबसे पहले का को हल करना है आपने, क्योंकि ये 2 टर्म नहीं होती, एक ही टर्म होती है। और गुणा में क्या है बच्चों, गुणा का अर्थ होता है बार बार जोड़ना, जैसे कि 4 गुणा 1/2 यानी कि आधा 4 बार। 4 बच्चों में आधा 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 आधा, तो उत्तर ये भी दो आएगा। आंसर तो हमारा सेम आएगा, परंतु अवधारणा अलग अलग है। अवधारणा में जैसे 4 का 2, 4 का 2 यानी कि 4 का 2 गुणा 8, जबकि 4 गुणा 2 का मतलब है 4 जमा 4 यानी कि 4 2 बार यानी कि 8। आंसर सेम आएगा, परंतु अवधारणा में अंतर है। बच्चों हम का को पहले हल करते हैं और उसके बाद भाग को हल करते हैं और अंत में हम गुणा को हल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम बोर्ड मास का रूल क्या है। हमारे पास पिछली वीडियो में मैंने आपको डी एम ए एस के बारे में बताया था, यानी कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट। आज हम उसमें बी को और जोड़ देंगे। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट से है। ओ का मतलब ऑफ, ये ब्रैकेट होती है हमारी। ऑफ का मीनिंग का। ये 2 नई चीजें जुड़ी है बच्चों। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, ओफ का मतलब होता है का, जैसे 4 का 1/2 भाग 2। तो इसमें हमारे सामने समस्या आती है, पहले हम का करेंगे या पहले हम भाग करेंगे। बच्चों मैंने बताया था आपको का तो केवल एक टर्म है, ये हमारे पास 2 दिखती हैं, परंतु वास्तव में ये एक है, इसलिए पहले हमने का को हल करना है। इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, 4 का आधा 2 और भाग 2, उत्तर क्या आएगा हमारा 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले हमने ऑफ यानी कि का को हल करना है, पहले हमने भाग नहीं करना, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्या होती है, किसी भी विशेष कथन, कोई विशेष बात, उसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। समर्थ के पास 25 पेन है। समर्थ के पास, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं आपके समझाने के लिए, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ब्रैकेट का महत्व का पता चलेगा। समर्थ के पास 5 रुपए वाले 25 पेन है। उसने अपने भाई को 10, उसने
अपने भाई को 10 तथा अपने मित्र को 8 पेन दे दिए। अब उसके पापा ने उसे 20 रुपए दिए तथा 5 रुपए वाले और पेन मंगवाए। समर्थ ने अपने पापा को 2 पेन दे दिए। तो बताओ, उस समर्थ के पास कितने पेन हैं? बच्चों, इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम कैसे करेंगे? समर्थ के पास कितने पेन थे? 25 पेन। 25। उसने अपने भाई को कितने दे दिए? 10 घटा 10, मित्र को दे दिए घटा 8। फिर आगे हमारा ये विशेष कथन आ गया, तो इसको हम अलग से ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। उसके पास 20 रुपए थे, तो 5 5 वाले पेन आए, उसको 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 20 को 5 5 वाले पेन पता लगाना पड़ेगा कितने आए। उसमें 2 अपने पापा को दिए। तो इस प्रकार से एक विशेष कथन को हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पहले आपने विशेष कथन को हल करना है। बाकी स्टेटमेंट ऐसे की ऐसे आएगी आपकी। 20 को 20 रुपए के 5 5 वाले कितने पेन आएंगे बच्चों? 4 पेन आएंगे। तो पहले भाग खोलेंगे, इसमें 4 आएंगे घटा 2। फिर क्या करेंगे आगे, 25 घटा 10 घटा 8 जमा, अब 4 में 2 उसने पापा को दे दिया, कितने बच गए उसके पास? 2। अब देखते हैं, समर्थ के पास 25 पेन ये, अब 2 ये और हो गए उसके पास, तो कितने हो गए? अब ब्रैकेट को खोल सकते हैं सीधा ही हम। पहले हम ब्रैकेट को हटा देंगे, सीधा ही ब्रैकेट को हटा देंगे, कुछ नहीं करना। आपने ब्रैकेट के अंदर की रकम कैसे कैसे आ लिख देंगे। आपने 25 पेन यहाँ थे, 2 पेन यहाँ, तो कितने पेन हो गए समर्थ के पास? 27। 10 इसने मित्र को दे दिए और 8 अपने मित्र को दे दिए, 10 भाई को दे दिए, तो कितने दे दिए? 18 दे दिए। तो कितने बच गए बच्चों उसके पास? 27 में से 18 घटा दिए, तो उसके पास 9 पेन बच गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास विशेष बात होती है, विशेष कथन होता है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। चलिए आइए, कुछ क्वेश्चन को हम नियम देखते हैं। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ यानी कि का मैंने अभी बताया था आपको, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और अंत में सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करने हैं। आपने जैसे 8 का 2 भाग 2 जमा 4, इसको कैसे करें? अभी मैंने बताया आपको कि ये तो केवल एक टर्म है, तो पहले ये खुलेगा हमारा। 8 का 2 कितना होता है? 16 भाग 2 जमा 4 कितना उत्तर आएगा? यहाँ पे 2 से भाग करेंगे इसको, 8 जमा 4 कितना उत्तर आया? 12। दूसरे तरीके से देखते हैं, कई बच्चे दूसरे तरीके से करेंगे इसको, कई बच्चे पहले भाग करेंगे जो कि गलत है। 8 का 4 2 भाग 2 कितना आएगा? 1। ये गलत हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से पहले आपने करना है, ये पहले आपने ये ऐसे करना है, पहले का खोलना है आपने, का को अवधारणा को पहले खोल देना है। और देखते हैं, चलो पोस्ट वाला देखते हैं। 8 भाग 2 का 2 जमा 4, इसमें भी आप पहले का खोल लेंगे, पहले भाग नहीं करेंगे, पहले का खोल लेंगे। ये मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे भाग और का को उल्ट दिया, सवाल यही है हमारा, भाग और का को मैंने उल्ट दिया। पहले क्या करेंगे? का करेंगे। 8 भाग 2 2 का 2 कितना आएगा? 4 जमा 4। अब ये करेंगे 2 जमा 4, तो इसमें हमारा उत्तर का अंतर पड़ जाएगा बच्चों। अगर हम पहले भाग खोल लेंगे तो उत्तर कुछ और आएगा, और अगर हमने पहले का खोलना है, पहले क्या खोलना आपने? का, क्योंकि केवल ये एक ही टर्म है, इसको बार बार मैं बता रहा हूं आपको, केवल ये एक टर्म है, इसको पहले खोलना है। चलिए ब्रैकेट वाले हम देखते हैं, ब्रैकेट वाले कैसे करते हैं।
36 जमा 8 भाग 2 घटा 3 गुणा 10 भाग 2। पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट में भी पहले हम भाग को खोलेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी वही रूल लगेगा आपका, ब्रैकेट के अंदर भी ओफ डी एम ए एस 36 जमा 8 भाग 2 घटा 3, यहाँ पे कितना है इसको कॉल करके 5। बच्चों कितना आ गया, 36 जमा 8 भाग 2 घटा 3 5 15। यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी, स्टेप पूरे करने हैं, चाहे कितने ही स्टेप बने आपके। अगर आप सवाल को स्टेप वाइज करेंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 घटा 15। अब 36 भी जमा के 4 भी जमा के, जमा कितने हुए 40 और कम कितने करने हैं 15, तो आंसर कितना आएगा 25। इसको अपने स्टेप पूरे लेने हैं, कम स्टेप में सवाल करने की कोशिश नहीं करनी। आप इस बात को ध्यान से समझें, आपने कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, सभी जगह बराबर लगाते हुए ध्यान से करना है। चलिए हम बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में करते हैं। ये कितना लिखा है मैंने, 10,000 घटा 999 घटा 9,000 जमा 10। इसमें मैंने बताया था आपको ये जमा करना है, ये जमा करना है, कितना आएगा 10,010। घटाना कितना है 9,000, ये 999, ये 9,000 और 999 दोनों घटाने हैं ना, तो कितने घटाने हैं 9,999। तो घटा देंगे बच्चों इसको, 10,010 में से 9,999 घटाएंगे। यहाँ पे जीरो है, जीरो में से नौ नहीं घटा सकते, आपको पता है, तो यहाँ पे हम बंडल खोल लेंगे, 10 आएगा, यहाँ पे जीरो बचेगा, 10 में से नौ गया एक। अब यहाँ जीरो जीरो में से नौ भी नहीं घटा सकते, तो यहां से लेके आएंगे, यहां से लेके आएंगे, यहां से लेके आएंगे, तो 100 है ये, 100 में से कितना बचेगा यहाँ पे 99 बचेगा, एक आगे लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से एक गया, 10 में से नौ गया एक, और यहाँ पे 9 में से नौ गया जीरो, 9 में से नौ गया जीरो, तो उत्तर कितना है बच्चों, इसका उत्तर आएगा 11। ये घटा भी आपने बड़े ध्यान से करनी है। यहाँ पे मैंने बताया था पिछली वीडियो में 10 की दहाई होती है, दहाई के बंडल कैसे खोलने हैं आपने, जब मैंने ये वीडियो जोड़ की घटा की तब मैंने वहां पे बताया था आपको कि आपने बंडल कैसे खोलना है, हासिल कैसे लेना है। हम जीरो में से नौ कम नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बंडल खोलना पड़ेगा। ये एक बंडल यहाँ पे है, तो ये 10 10 हो जाएंगे, जब एक बंडल खोल लेंगे तो 10 होता है ना एक बंडल में, तो यहाँ जीरो पहले 10 होएंगे यहाँ पे, अब 10 में से नौ घटा देंगे एक बचेगा, तो यहाँ पे एक बंडल कम कर देंगे, हम जीरो बंडल बचेंगे। फिर आगे भी हमारे बंडल है, इसी प्रकार से बंडल को खोलते हुए अपने हासिल वाले सवाल ध्यान से करने हैं। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। 16 का 1/2 जमा 4 गुणा 3 घटा 3 जमा 8 घटा 4, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम का खोलेंगे, का है पहले 16 का आधा, 16 का 1/2 कितना है बच्चों, 16 का आधा 8 होता है ना, 8 जमा 4 गुणा 3 घटा 3 जमा 8 घटा 4, आगे ऐसे कैसे चलेगा, अब ये गुणा खोल लेंगे, 8 जमा 4 किया 12 घटा 3 जमा 8 घटा 4, अब यहाँ 8 जमा 12 जमा 8 तो कितने हो गए 12 और 8 20, 20 और 8 28, कम कितने करने 3 और 4 7 कम करने, तो कितना उत्तर आ गया 21। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी, अगर आप ध्यान से इन समों को करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं आएगी। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए 10,000 माइनस 8,745 घटा 3,090 घटा 4,274। आपने यहां पर पहले ब्रैकेट करना है, पहले ब्रैकेट को करना है, इसको ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट को करना है पहले। अब यहाँ पे जमा कितने घटा कितने ये घटाने हैं आपने, इसमें से 8,745 घटा में 3,090 तो 5, ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से घटा के अंदर हमारी एक ही रकम आ गई 5,655। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे सीधा ही, यहां पे आप बड़ा आसान है। अब देखिए ये भी कम करना, ये भी कम करना, तो कितने कम करनी है, ये दोनों कम इनको जोड़ लेंगे, 4 और 5 9, 7 और 5 12, 1 1 और 2 3, 3 और 6 9, 4 और 5 9। अब इसमें घटाएंगे इसको, ऐसे अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसी तरह से बिल्कुल घटाना है। ये हासिल लेंगे 10, यहां पे भी अब यहां से लेंगे हासिल, क्योंकि शून्य है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, जब इस आगे लेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगी, तो अब घटा सकते हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7,
71, तो कितना है बच्चों 71। इस प्रकार से आप पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि बोर्ड मास के नियम का फॉलो करते हुए। पर एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, आपने सबसे पहले ब्रैकेट खोलनी है, मतलब ब्रैकेट के अंदर आपके जितने भी सवाल हैं पहले उनको हल करना है आपने। ब्रैकेट के अंदर आपने एक रकम लेके आनी है, फिर अपने सारे क्वेश्चन को करना है। धन्यवाद।